Dear students, today we will discuss about hybridizations and mixing coefficient of hybrid orbitals. संकरण और संकृत कक्षकों के मिश्रित गुणांकों की गणना हम कैसे करेंगे, इस बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो आप संकरण के बारे में 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में काफी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी यहाँ हम आपको संकरण के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के मिश्रित गुणांकों की कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो इससे पहले ये बताएंगे संकरण की आवश्यकता क्यों। वीबीटी विभिन्न अणुओं के मध्य बंधन की व्याख्या तो अवश्य करती है, लेकिन इसकी काफी ड्रॉबैक है। सभी अणुओं के बंधन की व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाती। इससे जब आप देखिए लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट ये कहता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक में होंगे उतने ही कोई परमाणु बंध बनाता है। लेकिन जब ये बातें हम कुछ कंपाउंड पर लागू करें, देखिए बेरिलियम 1s² 2s² बोरान 1s² 2s² 2p1 कार्बन 1s² 2s² और 2p2 अर्थात मान लीजिए p के तीन कक्षक हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आए। अब ध्यान दीजिए आप बेरिलियम बोरान कार्बन पर ध्यान दीजिए। वीवीटी के अनुसार जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने तो बंध बनाएंगे, ये लुईस कंसेप्ट कहती है। परंतु बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई बंध नहीं बनाएगा। जबकि बेरिलियम BCl2 जैसा अणु बनाता है। दूसरी बोरान की बात कर लीजिए, बोरान के पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब केवल एक ही बंध बना सकता है। परंतु ऐसा नहीं, बोरान भी देख लीजिए एक उदाहरण के रूप में BCl3 बनाता है, तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन की देख लीजिए, कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये दो बंध बनाने चाहिए। परंतु हम अच्छी तरह से जानते हैं कार्बन चतुर्थ संयोजी अर्थात ये चार बंध बनाता है, तो ये कैसे संभव है, इसकी व्याख्या वीबीटी द्वारा नहीं की जा सकती। अब हम मान लेते हैं कि जब परमाणु आपस में पास आते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो ऊर्जा मुक्त होती है, इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। यह समझाया गया ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपर स्टेट में चला जाते हैं, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में चला जाता है, वो ऊर्जा उनको आपसी अंतःक्रिया से प्राप्त हो जाती है। अब हम उदाहरण लेते हैं CH4 का। ये CH4 बनता कैसे, अब इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन है। कार्बन पर ध्यान दीजिए, इसको मैंने स्टार दर्शा दिया, मतलब उत्तेजित अवस्था है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बॉक्स के रूप में यहां आपको समझाने जा रहे हैं, 1s 2s और 2p। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें एक एक। अब ध्यान दीजिए परमाणु के पारस्परिक क्रिया से अणु उत्तेजित अवस्था में आ गया, जो स्टार दिखा दर्शा रखे। तो इसमें कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का 2s कक्षक से उत्तेजित होकर 2pz में चला गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां से, यहां से यहां चला गया। इस प्रकार इसके पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब ये बंध बना सकता है। लेकिन जब हाइड्रोजन के चार ऑर्बिटल
कि 1s कक्षक इनके पास आकर अतिव्यापन करते हैं तो आप देखिए कितने बंध बनाएगा। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इसका 2s ऑर्बिटल, एक बंध बनेगा। हाइड्रोजन के तीन 1s ऑर्बिटल और इसके px, py और pz, ये तीन बंध बनेंगे। अर्थात एक बंध तो बनेगा 2s 1s ऑर्बिटल के साथ और तीन बंध बनेंगे 2px 1s 2py 1s 2pz 1s। अर्थात ये तो है कार्बन के कक्षक और ये हाइड्रोजन। तो आप देखिए ये तीन बंध तो एक जैसे होंगे और एक बंध डिफरेंट होगा, अर्थात एक बंध ये वीक बंध बनेगा और ये तीन समान बनेंगे। लेकिन हम तो ये जानते हैं कार्बन के चारों बंध जो मीथेन में होते हैं वो बराबर होते हैं, चारों के चारों बंध समान होते हैं। अब इसको किस प्रकार से समझाया जाए, जबकि हम इस उत्तेजित अवस्था की मात्र बात करते हैं तो देखते हैं तीन बंध एक जैसे हैं और एक बंध एक जैसा है, डिफरेंट हो गए, दो तरह के बंध हो गए। जबकि कार्बन मीथेन के साथ चारों बंध समान होते हैं। अब यहां वीबीटी में संकरण का सहारा लिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचा गया, संकरण के बारे में सहारा लिया गया, तब इसकी व्याख्या की जा सकती है। संकरण क्या है? संकरण जब लगभग समान ऊर्जा के और भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक मिक्स होते हैं तो उतनी संख्या में, जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं और समान आकृति के नए कक्षक बनते हैं। इन नए कक्षकों को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं और इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अब इसको देख लीजिए, ये संकरण का सहारा वीबीटी लिया, संकरण के आधार पर हम यदि हम इनको समझाएं, ध्यान दीजिए, अब ये संकरण CH4 में क्या होता है, कार्बन का 1s और P के तीन ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, ये मिक्स होंगे, मिक्सिंग, और चार नए संकरित कक्षक बनाएंगे, एक दो तीन और चार, एक s कक्षक और तीन p कक्षक आपस में मिक्स होकर चार नए संकरित कक्षक बनाएंगे और संकरण होगा sp3 और sp3। इन चारों संकरित कक्षकों की ऊर्जा समान है और आकृति समान है। ये चारों संकरित कक्षक मीथेन में हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके चार समान बंध बना लेते हैं। इस प्रकार से संकरण की आवश्यकता हुई और इस तरह से हमने एक उदाहरण लेके मीथेन को उदाहरण लेके आपको समझाया किस प्रकार से इसमें संकरण होते हैं। ये चारों के चारों संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके चार समान बंध बनाते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए एक s एक p कक्षक आपस में अतिव्यापन करता है तो दो sp संकरित कक्षक बनते हैं, मतलब एक s और एक p आपस में अतिव्यापन करेंगे तो दो sp संकरित कक्षक बनेंगे। मान लीजिए 1s एक s और दो p आपस में अतिव्यापन करके तो क्या बनेंगे, तीन
एसपी, ध्यान दीजिए, एक एस और दो पी, संग्रह कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एसपी कितने हो गए, एक एस और दो पी, एसपी टू संग्रह कक्षक। ये तो आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके, एक एस और तीन पी कक्षक करके क्या बनाएंगे, तीन और एक चार, चार एस पी थ्री संकर कक्षक बनाए। तो ये था संकरण। अब संकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बंदों को समझाने के लिए। अब हम आपको जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें संकृत कक्षकों के मिश्रित गुणांकों की गणना, अब हम आपको समझाएंगे किस तरह से संकृत कक्षक हैं उसमें जो मिश्रित गुणांक है उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम पहला जो संकरण लेंगे एसपी संकरण। एसपी संकरण जानते हैं कि एस कक्षक और एक पी कक्षक मिलकर दो एसपी संकृत कक्षक बनाते हैं। इसका उदाहरण हमने आपको बेरिलियम लिया है, इसका उदाहरण लेकर हम आपको समझाएं 1s2, 2s2 और 2p जो रिक्त रहता है। इसमें यदि उत्तेजित अवस्था की बातें करें (2px, 2py, 2pz) तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इसमें चला जाता है और ये एक एस कक्षक एक पी कक्षक मिलकर दो एसपी संग्रह कक्षक बनाते हैं। ये एसपी संग्रह कक्षक, ये एसपी संग्रह कक्षक क्या करते हैं बच्चों, ये रेखीय रूप से आकृति में हो जाते हैं। इनकी आकृति इस तरह की होती है। ये एक एसपी संग्रह कक्षक, ये दूसरा एसपी संग्रह कक्षक और इनके मध्य 180 डिग्री का कोण होता है, ये सब आप जानते हैं। अब हम इन दोनों एसपी संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना करेंगे। दोनों संकृत कक्षकों के जो तरंग फलन है उनको यहां हम लिखें, एक संकृत कक्षक का तरंग फलन साई वन बराबर ए वन साई एस बी वन साई पी एक्स। एक संकृत कक्षक का तरंग फलन है, दूसरे संकृत कक्षक का तरंग फलन देखिए ए टू साई एस बी टू साई पी एक्स, समीकरण एक और समीकरण दो है। यहां ये ध्यान दीजिए, जो ए वन ए टू बी वन बी टू है ये मिश्रित गुणांक है, साई वन एक एसपी संकृत कक्षक का तरंग फलन है और साई टू दूसरे एसपी संकृत कक्षक का तरंग फलन। अब हमें मिश्रित गुणांक है ए वन ए टू बी वन और बी टू, इनकी गणना करनी है, इनका कैलकुलेशन करना है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें तीन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम गुणांकों की गणना कर सकते हैं। ये तीनों शर्त देखिए, पहली शर्त है सभी तरंग फलन तुल्य होते हैं, ये दिमाग में बातें रखनी है, अगर जितने भी तरंग फलन है सभी इक्वलेंस होते हैं।
दूसरी शर्त है सभी संकीर्ण तरंगफलन नॉर्मलाइज होते हैं। आपने क्वांटम में पढ़ा होगा नॉर्मलाइज क्या है, प्रसामान्यीकृत होते हैं सभी संकीर्ण कक्षक। प्रसामान्यीकृत की क्या मतलब है, ध्यान दीजिए, चल जाओ स्क्वायर डी लैम्बडा बराबर वन, साई स्क्वायर डी लैम्बडा बराबर वन। साई के बारे में जानते हो, साई स्क्वायर, साई स्क्वायर क्या है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन। साई स्क्वायर जहां जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की माप है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये आप क्वांटम में पढ़ा होगा आपने। तीसरी शर्त है तरंग फलन लाम्बिक होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मान लीजिए, तरंग फलन मान लीजिए ए वन ए टू बी वन बी टू बराबर जीरो, अर्थात ये दोनों का योग क्या होता है, जीरो। ये ऑर्थोगोनल की शर्त है। और नॉर्मलाइज के बराबर क्या होता है, वन। तो हम तीन शर्तों को ध्यान रखेंगे। अब हम ये जो कैलकुलेशन आपके यहां कर रहे हैं, तीन शर्तों की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर वन, पहली शर्त, सभी तरंग फलन तुल्य होते। सभी तरंग फलन तुल्य का मतलब है क्या होता है, यहां बात ध्यान दीजिए, एस कक्षक की बातें कर ले। यदि हम एस कक्षक की बातें करें तो एस कक्षक गोली होते हैं, अर्थात उसका जो एरिया होता है गोलाकार होता है, गोली होते हैं। तो इस गोली का, इसमें एसपी कक्षक में एस कक्षक का योगदान दोनों में 50-50% होगा, 50% योगदान होगा ना एस कक्षक का, क्यों, गोली होने के कारण 50% एक एसपी कक्षक में, 50% दूसरे एसपी संघ कक्षक में योगदान होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं जो पहली शर्त है दोनों में योगदान ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बराबर होता है 1/2, अर्थात 50-50% योगदान होता है। 1/2 का मतलब है एस कक्षक का दोनों ही संकृत कक्षकों में, एक एस पी संकृत कक्षक में दूसरे में 50-50 योगदान होता है, 1/2 योगदान। तो इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ए वन बराबर ए टू बराबर 1/√2। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो √2 √1 के स्क्वायर का मतलब नहीं है, √2। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त जो हम को आपको बताने जा रहे हैं, ये दूसरी शर्त लागू करेंगे हम, सभी संकीर्ण कक्षक नॉर्मलाइज होते हैं। नॉर्मलाइज की बातें होती है तो अब ध्यान दीजिए दूसरी शर्त की, दूसरी शर्त प्रसामान्यीकरण की शर्त है। प्रसामान्यीकरण की शर्त क्या है, ध्यान दीजिए, यदि हम साई वन पर मतलब एक तरंग फलन पर प्रसामान्यीकरण की शर्त लागू करें तो ध्यान इधर आप जो ध्यान देंगे, साई स्क्वायर डी लैम्ब्डा बराबर, ध्यान दीजिए ए वन पहले पे लागू कर रहे हैं, साई स्क्वायर एस डी लैम्ब्डा। इस पर लागू करें बी वन, ध्यान दीजिए
पी एक्स स्क्वायर। डी लेफ्ट प्लस टू ये स्क्वायर, ये स्क्वायर हम बताएंगे आप कैसे आया, ये कुछ समझने हम समझा देंगे आप सभी को। ए वन बी वन साई एस साई पी एक्स डी एल बराबर वन, ये पहली शर्त है। पहली शर्त आप ध्यान दीजिए कैसे आया, ये इसको इस प्रकार समझ लीजिए। एक सामान्य सा गणित सा नियम है ए प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सेम यही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब ये दूसरे जो शर्त हमने लागू करी है सामान्यकरण की शर्त, इस सामान्यकरण की शर्त में आप पूरी तरह से देख सकते हो आगे क्या होने जाएगा। अब हम आपको जो पढ़ रहे सामान्यकरण की शर्त चल रही है उस शर्त में देख लीजिए, साई वन पर यह शर्त लागू हो रही है ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर, ये शर्त है बराबर वन। ए वन का जो हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं, ए वन बराबर क्या है एक बटे दो प्लस बी वन स्क्वायर बराबर वन, हमें बी वन का मान ज्ञात करना है। बी वन का मान ज्ञात करने के लिए बी वन बराबर वन माइनस एक बटे दो बराबर एक बटे दो और बी वन बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू, ये मान आ गया दूसरी शर्त। अब हम लागू करेंगे बच्चों तीसरी शर्त, तरंग फलन लाम्बिक होते हैं। तीसरी शर्त तरंग फलन लाम्बिक होते हैं तो साई वन और साई टू पर हम दोनों ही तरंग फलन पर ये शर्त लागू करेंगे ए वन ए टू बी वन बी टू बराबर जीरो, ये लाम्बिक शर्त है ऑर्थोगोनल शर्त है। ए वन ए टू का मान रखना है और जो बी वन का मान ज्ञात किया वो रखना है अपन को। तो ए वन का मान क्या ध्यान दीजिए क्या था वन अपॉन अंडर रूट टू, ए टू का मान भी वन अपॉन अंडर रूट टू, बी वन का मान अभी निकाला है वन अपॉन अंडर रूट टू, और ज्ञात करना है हमें इसका मान b2 का मान ज्ञात करना है बराबर जीरो। तो b2 बराबर क्या होगा, b2 बराबर हो गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। तो हम मिश्रित गुणांक a1 ज्ञात कर चुके, a2 ज्ञात कर चुके, b1 ज्ञात कर चुके और बी टू मान ज्ञात कर चुकी। जो हमारा जो समीकरण थी आपने ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों को मैं पुनः आपको लिखता हूं, साई वन बराबर ए वन साई एस बी वन पी एक्स, साई टू बराबर ए टू एस बी टू साई पी एक्स, ये दो समीकरण आप ध्यान दीजिए पुनः मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। साई वन में ए वन बी वन का मान रखेंगे, साई टू दूसरे तरंग फलन में ए टू और
बी टू का मान रखेंगे। अब इनका मान ए वन ए टू बी वन बी टू का मान इन समीकरणों में जो समीकरण एक और दो थे उनमें रखने पर ध्यान दीजिए साई वन बराबर ये बराबर क्या होता है ए वन वन अपॉन अंडर रूट टू साई एस आगे ध्यान दीजिए बी का मान भी वन अपॉन अंडर रूट टू साई पी एक्स रख दिया हमने मान इस मान को हम कॉमन ले लीजिए साई वन बराबर कॉमन क्या है वन अपॉन अंडर रूट टू साई एस प्लस साई पी एक्स ये तरंग फलन नंबर एक वन मतलब साई वन के मिश्रित गुणांक की गणना है साई वन। अब हम साई टू की बातें कर रहे हैं तो साई टू में भी हम ए टू बी टू का मान रखेंगे रखकर देखिए साई टू बराबर ए टू का मान है बच्चों वन अपॉन अंडर रूट टू साई एस प्लस बी टू का मान है माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू साई पी एक्स। यदि हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा कॉमन ले लीजिए खोल लीजिए वन अपॉन अंडर रूट टू साई एस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू साई पी एक्स और साई टू बराबर कॉमन वन अपॉन अंडर रूट टू साई एस माइनस साई पी एक्स। ये दूसरे तरंग फलन का मान आएगा पहले तरंग फलन का मान ये देख लीजिए दूसरे तरंग फलन का मान ये देख लीजिए अंतर केवल माइनस प्लस का अंतर है। इस प्रकार से हम एसपी संकरण में जितने भी मिश्रित गुणांक है ए वन ए टू बी वन बी टू की गणना कर सकते हैं और इस तरह से हम साई वन तरंग फलन एक संकरण कक्षक के लिए एसपी के लिए और साई टू दूसरे एसपी संकृत कक्षक के लिए तरंग फलन ज्ञात कर सकते हैं। आज अच्छा अब हम आपको एसपी टू संकरण के बारे में बताएंगे। अब हम आपको एसपी टू संकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। एसपी टू संकृत कक्षकों के मिक्सिंग गुणांक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अभी तक आपने एसपी संकृत कक्षकों में मिश्रण गुणांक पढ़ा आज एसपी टू का पढ़े। एसपी टू का हम एक थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेते हैं जैसे BCl3 आदि में एसपी टू संकरण होता है। इसमें क्या है एसपी टू में एक एस और दो पी कक्षक अतिलंबन करके संकृत होकर मिक्सिंग होकर पी एस पी टू संकृत कक्षक बनाते हैं बराबर। ये तीनों संकृत कक्षक समान आकृति के होते हैं और समान होता है। अब किस प्रकार से ये अभिविन्यास रहते हैं हम बता देते हैं आपको।
ये सर्किल कट सके, ये जो है हमारा ये मान लीजिए एक्स एक्स है और ये वाई एक्स, ये एस पी टू तीन सर्किल कट सकते, इसी सर्किल कट सकते एस पी टू का यदि हम तरंग फलन लिखें, तरंग फलन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साई किसी लिख का बता रहे हम ए आई साई एस बी आई साई पी एक्स और सी आई साई पी वाई, किसी भी sp2 संगत कक्षक का तरंग फलन, यहां जो i है वो मिक्सिंग गुणांक है, a b और c मिक्सिंग गुणांक है और i का मतलब है a 2 p, अब a b और c मिक्सिंग गुणांक है, अब हमारे पास तीन sp टू संगत कक्षक है, इन तीनों sp2 संगत कक्षों के तरंग फलन ऐसे लिखे जाएंगे, देख लीजिए साई वन, अब इस पर ध्यान दीजिए ए वन साई एक्स बी वन साई पी एक्स और सी वन साई पी वाई, इसी प्रकार से दूसरे एस पी टू संयुक्त कक्षक का तरंग फलन ए टू साई एस बी टू साई पी एक्स और सी टू साई पी वाई, तीसरे सर एस पी टू संकेत कक्षक का तरंग फलन ए थ्री साई एस बी थ्री साई पी एक्स और सी थ्री साई पी वाई, इस प्रकार से तीनों एस पी टू संकेत कक्षकों के तरंग फलन हम पहले लिख लेते, अब हम इनका जो कोएफिशिएंट है जो मिक्सिंग गुणांक है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री का मिक्सिंग गुणांक क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग करते हैं हम यहां से पॉइंट नंबर वन, ध्यान दीजिए पहली शर्त लागू करते हैं जो हमने आपके पिछले वीडियो में बताया था, यहां जो एस कक्षक है वह गोलाकार होता है, उसकी चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व का वितरण तीनों sp2 संकेत कक्षकों में बराबर बराबर होगा, तीनों में इसमें बराबर इसमें बराबर इसमें चार्ज डेंसिटी का जो वितरण है विभाजन है वो बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर a2 स्क्वायर थ्री स्क्वायर बराबर एक बटे तीन, अर्थात तीनों में एक बटे तीन एक बटे तीन एस कक्षक का कंट्रीब्यूशन है। प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैंने एस पी संकरण में एक थोड़ी सी मिस्टेक की थी वहां मैंने ए वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर लिखा, तो वहां ध्यान रखना सुधार करना, अर्थात ए वन बराबर ए टू कर लेना आप। अब वापस हम अपनी बात पर आते हैं, तीनों ही sp2 संकेत कक्षकों में s का योगदान बराबर है, वो कितना एक बटे तीन एक बटे तीन एक, हम इसको लिख सकते हैं a1 a2 a3
तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम एक और बात कहना चाह रहे हैं आपको, यदि जो साई वन है, हम पहले साई वन की बात कर रहे हैं, साई वन तरंग फलन है, मान लीजिए वो एक्स अक्ष पर, ये अक्ष है, मान लीजिए ये साई वन ये एक्स अक्ष पर, तो इसमें पी वाई कक्षक का योगदान शून्य होगा। पुनः सुन लीजिए बच्चों, बात हम दूसरी करें, माना साई वन तरंग फलन एक्स अक्ष पर, तब पी वाई कक्षक का योगदान कंट्रीब्यूशन शून्य होगा। जब शून्य होगा तो जब इसका योगदान जब शून्य है तो हम सी वन बराबर जीरो लिखेंगे, क्योंकि साई वन एक्स की ओर है तो वाई का योगदान नहीं होगा, तो पी वाई का योगदान शून्य होगा, तो जिसका कोफिशिएंट है सी वन वो भी शून्य होगा। अब बात आगे आती है नंबर तीन, जब हम जो पहली बार जो साइमन पढ़ा रहे एक एसपी टू सर्किट के बारे में बता रहे हैं, साइमन प्रसामान्यीकरण के शर्त लागू करें, जब साइमन पर नॉर्मलाइजेशन शर्त लागू करें तो नॉर्मलाइजेशन शर्त क्या है, साई वन देख लीजिए, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर बराबर वन होगा, हमने पहला लिया है, क्योंकि सी वन बच्चों के है बराबर शून्य, तो हम लिख सकते हैं ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर बराबर वन। अब ए वन स्क्वायर का मान हमारे पास है 1/30, पुट वैल्यू ए वन स्क्वायर देन 1/30 प्लस बी वन स्क्वायर बराबर वन, तो बी वन स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 1 - 1/3 बराबर क्या बचा, इसमें क्या बचा 2/3। यदि हम आगे बात करें पी वन बराबर अंडर रूट 2/3, ये पी वन का मान आ रहा है, इससे जो लोग मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ करेंगे और जाए नंबर चार, अब यहां लांबिक शर्त लागू करें, लांबिक शर्त में हम किस किस पर लागू करें, जब साई वन तथा साई टू पर ऑर्थोगोनल शर्त लागू करें, ध्यान दीजिए किस पर लागू किया हमने, साई वन और साई टू, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, हमने दोनों को लागू किया साई वन और साई टू पे, हमने कोएफिशिएंट लिए ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, क्योंकि सी वन बराबर जीरो, तो ये राशि पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, तो ए वन ए टू प्लस
B2 बराबर 0, then हमें क्या करना है, B2 बराबर, ध्यान दीजिए, B2 बराबर माइनस A2 अपॉन B1, then A1 A2 का मान माइनस 1/3, B1 का मान क्या है, ध्यान दीजिए इसमें B1 √2/3, ये मान आ गया, जल्दी आप आगे निकाले, अब तो क्या आएगा बराबर B, इसको निकाले तो आएगा माइनस 1/√6 और B स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 1/6। इस प्रकार से हम B2 का मान क्या कर सकते हैं, अब यही शर्त हम साई 1 और साई 3 तरंग फलन पर लागू करेंगे। जब साई 1 वह साई 3 पर ऑर्थोगोनल शर्त लागू करने पर, पहले हमने साई 1 साई 2 पर किया था, अब साई 1 साई 3 पर ऑर्थोगोनल शर्त लागू करेंगे, इसके गुणांक लिखेंगे A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 बराबर 0 हमने लागू कर दी, क्योंकि हम जानते हैं C1 बराबर 0, तो ये पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं A3 B1 B3 बराबर 0, हमें निकालना है B3 बराबर माइनस A1 A3 अपॉन B1, इनका मान रखेंगे बराबर माइनस 1/3, A1 A3 का मान रखेंगे तो 1/3 आएगा, और जो B1 का मान आपने निकाला है 2/3, ये राशि निकाल लिया, तो B3 बराबर क्या हो गया, B3 बराबर माइनस 1/√6 और B3 स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 1/√6। ये सारे आपके काम आएंगे, दोनों को लागे साई 1 साई 2 पर और साई 1 साई 3। और अगला पॉइंट लिखेंगे हम साई 2 पर प्रसामान्यीकरण की शर्त लागू करते हैं, साई 1 पर कर तो कितने पहले, अब साई 2 पर सामान्यीकरण की शर्त लागू करें साई 2 पर, तो साई 2 का देखिए ये 2² प्लस B2² प्लस C2² बराबर 1 हमें लागू किए, हमें क्या A2 ज्ञात है B2 ज्ञात है, अब हमें ज्ञात करना है क्या C2 ज्ञात करना है, तो C2 ज्ञात कर लेंगे बच्चों, C2 इधर ले आएंगे 1 माइनस A2 B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर बराबर
वन माइनस ए टू स्क्वायर क्या था, वन अपॉन थ्री। अब बी टू को क्या निकाला था हमने, माइनस वन अपॉन सिक्स, तो ये वन अपॉन सिक्स हो जाएगा। और इसका जो मान निकलेगा एक बटे दो, इसलिए सी वन बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू। सॉरी, सी सी टू बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू, ये मान आ गया। अब पुनः चलते हैं हमने साइड पर सामान्य करने से लाभ की। अब साइड थ्री पर सामान्य कार्य शर्त लागू करेंगे, क्या आएगा, तीन ए थ्री स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर सी थ्री स्क्वायर का नंबर वन, सेम इसकी तरह ही। तो सी थ्री स्क्वायर बराबर वन माइनस थ्री थ्री स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर सी थ्री स्क्वायर बराबर वन माइनस, वही बातें आएगी, एक बट पी प्लस वन अपॉन सिक्स बराबर वन अपॉन टू, इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। देन सी थ्री बराबर थ्री बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू, इसको सी टू और सी थ्री अर्थात साई वन साई टू और साई थ्री में अंतर करने के लिए हम इसको सी थ्री को इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक बटे दो। प्लस माइनस एक बटे दो का मतलब यहां ये है, साई टू और साई थ्री को डिफरेंट करने के लिए, अंतर दर्शाने के लिए साई टू यदि प्लस है तो साई थ्री माइनस होगा, इसलिए हमने यहां प्लस माइनस एक बटे दो लिख दिया। अब ये बातें अब लागू करेंगे इसको साई वन साई टू साई थ्री पर, हम जो जितने भी कोएफिशिएंट ज्ञात किए हैं उनका मान हम इसमें रखेंगे। पहले जितने जैसे ए वन ए टू ए थ्री B1, B2, B3, C1, C2, C3 जो भी ज्ञात किए हम सबका मान यहां रखें। अब ध्यान दीजिए, रखकर देखते हैं। साई वन, देखिए बच्चों A1 का मान क्या था बताइए, A1 का मान जो आपने निकाला था वो था 1/√3 साई एस, क्लियर। दूसरा जो जो B1 का मान निकाला था वो क्या था बताइए, B1 का मान हमने जो निकाला था वो मान आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, B1 का मान था 1/√6। ध्यान दीजिए, और C1 का मान यहां शून्य मान रखा है, उसको नहीं लिखे। कोई ए टू का मान वन अपॉन अंडर रूट थ्री, बी टू का मान जो निकाला था आपको ध्यान होना चाहिए, B1, B2, B3 तीनों के मान हमने निकाले थे, ये मान है 1/4। B2 का मान जो निकला, सॉरी यह ध्यान दीजिए, ये मान हमने जो निकाला था 2/3 अंडर रूट साई पीएक्स, ये निकाला था। अब ये जो मान निकाला है ये B2 का मान
6 px प्लस c2 का मान ध्यान दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 आगे dy sin 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 sin s वही बात वो आगे b3 का मान ये ध्यान रखिएगा b3 का मान जो निकाला था वो माइनस आएगा माइनस ये और जो आगे है वन अपॉन अंडर रूट 6 साई पीएक्स साई पीएक्स यहां जो हमने बताया एक अंतर करने के लिए इसको प्लस करेंगे C2 को प्लस करेंगे तो C3 माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस वन अपॉन टू साई पी वाई इस प्रकार से हम तीनों तरंग फलों के मान निकाल लिए हैं साई वन साई टू और साई थ्री पुनः देख लीजिए आप यहाँ ए वन का मान रखेंगे बी वन का मान रखेंगे सी वन बराबर जीरो ध्यान दीजिए ए टू का मान रखेंगे बी टू का मान रखेंगे और C2 का मान रखें सब जितने भी हमने कोएफिशिएंट निकाले हैं उनको ध्यान रखते हैं इसमें A3 वापिस B3 और C3 में हमने जो अंतर किया है वो अंतर इसलिए किया है साई टू और साई टू थ्री में डिफरेंट हो तो इस प्रकार से आप एस पी टू संकरण लक्षकों के मिश्रित गुणांक की गणना कर सकते हैं। अब हम sp3 संकृत कक्षकों के मिश्रित गुणांकों की तुलना करें। sp3 संकृत कक्षक कैसे बनते हैं? इनमें एक s कक्षक, 1s और 3p कक्षक मिलकर 4 sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। जैसे CH4 जिसमें कार्बन के चार sp3 संकृत कक्षक होते हैं और ये इस तरह से मिक्स होता है। ये रेड दिखा रखा है, ये s कक्षक है और PH, PY, PZ तीन p कक्षक हैं। इस प्रकार ये मिलकर चार sp3 संकृत कक्षक बनते हैं। किसी sp3 संकृत कक्षक के लिए यदि हम तरंग फलन लिखें किसी sp3 संकृत कक्षक के लिए तरंग फलन ध्यान दीजिए ai साई एस बी आई साई पी एक्स सी आई साई पी वाई और डी आई साई पी जेड यहां ए बी सी डी मिक्सिंग कोफिशियंट मिश्रित गुणांक और आई यहां 1 2 3 4। अब हम चारों sp3 संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन लिखेंगे साई वन बराबर ए वन साई एस बी वन साई पी एक्स सी वन साई पी वाई और डी वन साई पी जेड। अब साई टू के लिए दूसरे sp3 संकृत कक्षक के लिए ए टू साई एस बी टू साई पी एक्स सी टू साई पी वाई और डी टू साई पी जेड।
तीसरे sp3 संकेत कर सकते हैं साई थ्री बराबर ए थ्री साई एस बी थ्री साई पी एक्स सी थ्री साई पी वाई डी थ्री साई पी जेड। चौथे sp3 संकेत कक्ष के लिए साई फोर ए फोर साई एस बी फोर साई पी एक्स सी फोर साई पी वाई और डी फोर साई पी जेड। ये चारों sp3 संकेत कक्ष है, इनके अब गुणांक ए वन बी वन ए थ्री ए फोर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर सी वन सी टू सी थ्री सी फोर डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, इनके गुणांकों की हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। अब किस प्रकार से हम गणना करेंगे उसके लिए आप हम चाहते हैं, अब आप ध्यान दीजिए, अब सभी शर्तों का पालन करते हुए इन गुणांकों की हम गणना करेंगे। पहली शर्त हमारी थी कि सभी कक्षक मतलब तरंग फलन की बातें हो रही हैं, तुल्य होते हैं। यहां एस कक्षक चूंकि गोलीय होते हैं इसलिए सभी sp3 कक्षकों में, चारों sp3 कक्षकों में एस कक्षक का योगदान बराबर रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहेगा, एक बट चार एक बट चार एक बट चार एक बट चार। तो इनका चार्ज डेंसिटी सभी संकेत कक्षकों के लिए, चूंकि एस कक्षक गोलीय होते हैं इसलिए योगदान इसका चार्ज डेंसिटी वन बराबर ए टू स्क्वायर बराबर ए थ्री स्क्वायर बराबर ए फोर स्क्वायर बराबर एक बटे चार, एक बट चार एक बट चार एक बट चार, एक कुल मिलाकर इन सबके एक बट चार योगदान होता है। यदि हम इस तरह लिखें ए वन बराबर ए टू ए थ्री ए फोर तो बराबर होगा वन अपॉन अंडर रूट चार बराबर वन अपॉन टू। एक बात, अब यहां हम पहले साई वन की बातें करते हैं। साई वन के बारे में हम आप कहना चाह रहे हैं, अब जो साई वन है वो मान लीजिए एक्स अक्ष पर है, किस लिए अक्ष पर, माना साई वन एक्स तल पर है, प्लान पर है, अक्ष पर है, तब पी वाई एंड पी जेड का योगदान जीरो होगा। जब इनका योगदान जीरो होगा तो पी वाई और पी जेड का योगदान शून्य, तो सी वन डी वन बराबर जीरो, अर्थात सी वन भी जीरो और डी वन भी जीरो होगा। अब हम क्या करते हैं, इस साई वन पर प्रसामान्यीकरण की शर्त लागू करते हैं, साई वन पर प्रसामान्यीकरण की शर्त लागू करने पर नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है उस पर लागू करेंगे साई वन पर। अब ध्यान दीजिए, साई वन पर ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर और डी वन स्क्वायर बराबर बच्चों एक, क्योंकि सी वन डी वन शून्य इसलिए ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर बराबर वन। ए वन का मान रखेंगे, ए वन स्क्वायर का मान हमारा एक बटे चार बी वन स्क्वायर बराबर वन, देन बी वन स्क्वायर बराबर वन माइनस एक बटे चार, वन माइनस एक बटे चार क्या बचा दो बटे, यदि हम इसका लघुत्तम लेंगे तो यह क्या आएगा चार, चार माइनस तीन बटे
देखिए ये चार हो गया, चार हो गया तो क्या होगा, चार माइनस वन तो तीन बटे चार। यदि हम स्क्वायर यहां से हटाएंगे बी वन तो क्या होगा, अंडर रूट थ्री अपॉन चार, या लिख सकते हैं थ्री अपॉन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ये मान इसका आएगा। अब इस पर लागू कर दिया हमने प्रसामान्यीकरण शर्त, हमने ए वन ए टू ए थ्री ज्ञात हो गया, हमारे पास बी वन ज्ञात हो गया। अब ऑर्थोगोनल शर्त लागू करेंगे, लंबिक शर्त लागू करेंगे। तीसरी बात, साई वन व साई टू तथा साई वन और वह साई थ्री तथा साई वन व साई फोर पर ऑर्थोगोनल लांबिक शर्त लागू करने पर हम पहले साई वन साई टू पर लागू करें, साई वन पर साई टू पर लागू करें। देख लीजिए ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू और डी वन डी टू बराबर जीरो। चूंकि हम जानते हैं सी वन और डी वन बराबर क्या बताया हमने, जीरो, ये जीरो है, देन वी कैन राइट ए वन ए टू बी वन बी टू बराबर जीरो। अब हमें बी टू ज्ञात करना है, बी टू बराबर माइनस ए वन ए टू बी वन। इसी प्रकार से हम साई वन साई थ्री की बातें करें, साई वन साई थ्री पर ज्ञात करने के लिए साई वन व साई थ्री पर लांबिक शर्त लागू करने पर, ध्यान दीजिए साई वन और साई थ्री, ए वन ए थ्री बी वन डी थ्री, सी वन को हम छोड़ सकते हैं, वैसे लिखते हैं सी वन सी थ्री डी वन डी थ्री बराबर जीरो, फिर वापस सी वन का मान शून्य डी वन का मान शून्य तो ये वापस जीरो, देन ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री बराबर शून्य। अब बी थ्री का मान ज्ञात करेंगे माइनस ए वन ए थ्री बी वन, बी टू बराबर ये बी थ्री बराबर ये। अब हम साई वन व साई फोर पर लांबिक शर्त लागू करें, करने पर सेम वही बातें साई वन और साई फोर पर ए वन ए फोर बी वन और बी फोर, ये हम सी थ्री सी फोर ये लिखना छोड़ देते हैं जीरो, तो बी फोर बराबर हो गया माइनस ए वन ए फोर अपॉन बी वन, तो बी टू बी थ्री बी फोर ये सब बराबर है, तब हम लिख सकते हैं बी टू बी थ्री बी फोर बराबर। अब इसका मान हम रखेंगे इस ए वन ए टू का मतलब ये क्या है, एक बटे माइनस वन अपॉन फोर, बी टू बी थ्री बी फोर बराबर माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन टू बराबर माइनस, इनका यदि हम मान निकालेंगे तो वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री,
तो B2, B3, B4 जो कोफिशियंट है उनका मान आया -1/√3। अब बात आती है, ये साई वन था, ये समाप्त हो गया है, अब हम बात करते हैं साई टू की। साई टू मान लीजिए, अब एक्स और जेड तल पर है, तब जो पी वाई होगा कक्षक, उसका योगदान शून्य होगा, जीरो होगा। जब इसका योगदान शून्य होगा तो सी टू बराबर जीरो होगा। जब इसका योगदान किसका, वाई का योगदान पी वाई कक्षक का नहीं होगा तो सी टू बराबर जीरो होगा। अब हम इस पर साई टू पर प्रसामान्यीकरण की शर्त लागू करते हैं। साई टू पर नॉर्मलाइज कंडीशन लागू करते हैं। अब साई टू को नॉर्मलाइज करने के लिए देख लीजिए, ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर, सी टू जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, डी टू स्क्वायर बराबर वन, एंड डी टू स्क्वायर बराबर वन माइनस ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर, और डी टू स्क्वायर बराबर वन माइनस, ये क्या है, एक बटे चार, प्लस हम इसको बी टू अभी निकाला था हमने, बी टू स्क्वायर लिखेंगे इसको, मान लीजिए 1/√2/√3 का स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, डी टू स्क्वायर बराबर 1 - 1/4 + 1/12 मान होता है। जब इसका 1/12 मान हुआ तो डी टू का मान जो आएगा, ध्यान दीजिए, 1 - 1/3 बराबर कितना बचा, 2, 3, 3 - 1 मतलब 2/3, 2/3, तो डी टू बराबर √2/3 का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये डी टू का मान आ गया, अब यहां पुनः लांबिक शर्त लागू करेंगे, किस किस पर, लांबिक शर्त साई टू व साई थ्री और साई टू व साई फोर पर लागू करेंगे। तो साई टू साई थ्री, ध्यान दीजिए, साई टू और साई थ्री मतलब ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री, सी टू हमारा जीरो है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे डी टू डी थ्री बराबर जीरो। निकालिए इसका, हम निकाल रहे हैं डी थ्री माइनस ए थ्री ए टू ए थ्री प्लस बी टू बी थ्री अपॉन डी टू, ये किस पर, साई टू साई थ्री, साई टू साई फोर पर लागू करने पर वह साई फोर पर लागू करने पर साई टू ए टू ए फोर बी टू बी फोर सी टू, वापिस वही बातें, सी टू शून्य लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हम डी टू डी फोर बराबर जीरो, हमें डी फोर निकालना है, माइनस ए टू ए फोर प्लस बी टू बी फोर
अपॉन डी टू, ये डी थ्री डी टू दोनों ही लगभग बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं डी टू डी थ्री बराबर क्या आएगा इसका, बी टू बी फोर, बी का मान जो हमने निकाला था वो ये बी का मान ये रहा, बी टू बी थ्री बी का मान यदि हम लिखेंगे तो आएगा माइनस, ये यदि हम करें एक बटे चार एक बटे बारह अपॉन डी टू, डी टू का मान अभी हमें निकालना है अंडर टू अपॉन थ्री, जब ये मान डी टू डी थ्री निकालेंगे आते डी थ्री डी फोर बराबर माइनस, यदि हम इसको सोल्व करें वन अपॉन अंडर रूट सिक्स और डी थ्री डी फोर बराबर माइनस वन अपॉन सिक्स, इस तरह से हमने डी थ्री और डी फोर का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम आते हैं नंबर फाइव सी थ्री पर, अब हम लागू करेंगे प्रसामान्यीकरण की शर्त। साई थ्री पर नॉर्मलाइज शर्त लागू करने पर, साई थ्री पर करते हैं, ये देखिए साई थ्री करेंगे तो ये ए थ्री, जैसे आपने इस पे किया था जैसे बी थ्री ए थ्री, तो इस तरह से ए थ्री बी थ्री सी थ्री और डी थ्री बराबर वन, हमें डी थ्री निकाल सी थ्री निकालना है, सी थ्री वन माइनस ए थ्री बी थ्री और डी थ्री, इनका मान रखेंगे सी थ्री वन माइनस एक बटे चार एक बटे बारह एक बटे छह, जब इनका मान रखेंगे तो सी थ्री बराबर जो आएगा हमारे पास वो यदि इसमें पूरी तरह से देखें तो आएगा माइन प्लस, हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये आएगा वन अपॉन टू और सी थ्री बराबर वन अपॉन अंडर रूट टू। अब आगे देख लीजिए, ये साई थ्री था, अब साई फोर पर नॉर्मलाइज शर्त लागू करने पर करने पर, अब ध्यान दीजिए साई फोर पे, ये ए फोर स्क्वायर बी फोर स्क्वायर सी फोर स्क्वायर डी फोर स्क्वायर, जिस तरह से इस पर लागू की थी बराबर ए, हम सारा मान ज्ञात कर चुके ए के बारे में बी के बारे में डी के बराबर, सी फोर के बारे में करेंगे सी फोर बराबर वन माइनस ए फोर बी फोर डी फोर, इनका मान रखेंगे सी फोर स्क्वायर बराबर वन माइनस एक बटे चार एक बटे बारह एक बटे सिक्स सी फोर बराबर वही बातें एक बटे दो। अब हम इसको अंतर करने के लिए यहां सी फोर माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू भी लिख सकते हैं, साई थ्री और साई फोर अंतर करने के लिए यहां एक प्लस एक बट दो है और यहां माइनस एक बट दो है लिख सकते हैं हम, इसमें कोई समस्या नहीं है।
इस प्रकार से हमने सारे के सारे वो क्या कर लिए, कोफिशिएंट ज्ञात कर लिए, मिक्सिंग गुणांक ज्ञात कर लिए। अब हम वन बाय वन इसमें रखते जाएंगे, एक बाय एक वो रखते जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब साई वन, ध्यान दीजिए साई वन, तो ए बराबर क्या था, ओनली ए, ए बराबर जब हम यहां ए स्क्वायर बराबर क्या है, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे चार था, तो हम यहां लिखेंगे एक बटे दो साई एस। चलिए अब बी वन बराबर क्या था, बी वन बराबर था तीन बटे अंडर रूट थ्री अपॉन टू साई पी एक्स। यहां वाई और जेड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस एसपी थ्री संकेत तरंग फलन में, साई टू वही वन अपॉन टू साई एस। अब ध्यान दीजिए बी का मान क्या है, बी का मान जो है बी वन बी टू बी थ्री और बी थ्री जो तीनों का जो मान था वही एक मान है इनका, वो मान है माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री साई पी एक्स। अब यहां जो साई टू था जो किस तल में थे, एक्स और जेड तल में, हमने आपको बताया, तो यहां सी टू का कोई योगदान नहीं होगा, सी टू का योगदान नहीं होगा, तो इसमें जो मान आएगा वो ध्यान दीजिए वापस रिपीट कीजिए। अब डी टू कितना था, डी टू आपको हम बता देते हैं, जो डी थ्री है डी फोर है वही मान डी टू का होगा, और वो मान है प्लस अनरूट टू अपॉन थ्री पी साई पी जेड, साई थ्री वन अपॉन टू साई एस माइनस वन अपॉन टू अनरूट सी साई पी एक्स। अब यहां आते हैं सी का मान रखना है आपको, सी थ्री जो सी थ्री का मान रखा था हमने वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू साई पी वाई, और जो डी डी थ्री का मान आया था, जो डी थ्री का मान हमारा क्या था एक बटे सिक्स, डी थ्री का मान हमें एक बटे सिक्स का था, इसका मतलब एक बटे सिक्स का था वन। अब मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूं, अंडर रूट सिक्स साई पी जेड। ओ, अब आप कर जाएंगे क्लियर, माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री साई पी एक्स प्लस, अब सी फोर का मान, अब ये प्लस माइनस में कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो मैं तो लिख लीजिए वन अपॉन, ध्यान दीजिए अंडर रूट टू साई पी वाई माइनस वन अपॉन अंडर रूट सिक्स साई पी जेड। इस प्रकार से हम इन सब का मान ये साफ और लिख देता हूं मैं आपको, साई पी जेड। इस प्रकार से हम प्रत्येक तरंग फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, एक तरंग वो एसपी थ्री, दूसरा एसपी थ्री, तीसरा एसपी थ्री और चौथा एसपी थ्री। इस प्रकार से हम एसपी थ्री तरंग फलनों का मान ज्ञात कर लेंगे, और सभी जो मिक्सिंग गुणांक है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर सी वन सी टू सी थ्री सी फोर डी वन डी टू डी थ्री डी फोर। इस प्रकार से हम तीनों संकृत कक्षक को जैसे एसपी एसपी टू और एसपी थ्री के संकृत कक्षों को गुणांकों के बारे में हमने आपको विस्तार रूप से समझाया।
मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सूचित करें। थैंक यू वेरी मच।